पता है तुम लोग को, एक हॉस्टलर को ना दो चीज़ों के बारे में हमेशा पड़ी रहती है कि उसे छुट्टी कब मिलने वाली है और उसे घर कब जाना है। तुम्हारा भाई भी कुछ वैसा ही है। हेलो गाइस, आई एम द स्टूडेंट ऑफ सेंट जेवियर्स एंड मैं जो है यहाँ पर हॉस्टल में रहता हूँ इन रांची। एंड जैसे ही मेरे को पता चला कि दो दिनों की छुट्टी है तो सबसे पहला जो है मेरे दिमाग में ख्याल आने लगा कि क्यों ना घर जाया जाए। इसीलिए मैंने जल्दी फटाफट से स्कूल आने के बाद अपने जितना भी बैग है वो सारा पैक किया एंड बैग पैक करने के बाद मैंने बैग टांगा, मैंने बस पकड़ी एंड फिर मैं चला गया अपने घर। सो गाइस, यार मैं जैसे ही घर पहुंचा एंड घर पहुंचने के बाद सबसे बातें की एंड सबके साथ टाइम स्पेंड किया। और गाइस मेरे जाने के बाद, मेरे खुदे जाने के बाद सेवक जो है मेरे मैक में लग गया है। और जितनी पहले मैं एडिटिंग करता था वीडियोस की, आजकल सेवक अपने वीडियोस की एडिटिंग वगैरह करता है। उसके बाद मैं एक दिन वहीं पर रहा सोने के बाद, फिर दूसरे दिन मैं उठा एंड दूसरे दिन उठने के बाद हमारा प्लान बना कि हम जाएंगे सोनमेर मंदिर। सोनमेर मंदिर एक ऐसी जगह पे है, मतलब एक ऐसी जगह है ना जहाँ से कि मेरी बहुत सारी श्रद्धाएं जुड़ी हुई है, मेरी आस्थाएं जुड़ी हुई है। सिर्फ मेरी नहीं, मतलब मेरे पूरे फैमिली की जो आस्थाएं श्रद्धाओं से जुड़ी हुई है। और इधर का बहुत ज़्यादा फेमस मंदिर है सोनमेर मंदिर। तो मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ तो वहाँ पर जो है हमेशा मंदिर सोनमेर माँ के दर्शन के लिए ज़रूर जाता हूँ। एंड हम निकल गए फाइनली सोनमेर माँ के दर्शन के लिए मंदिर। चल मेरा घोड़ी टिक 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 बाय कर दूँगा। और गाइस हम लोग यहाँ पर भीग चुके हैं, मतलब हम लोग ने देखे बस योगेश ड्राइविंग कर रहा था तो वही उसका आगे पूरा भींग चुका है, देख ही सकते हैं आप लोग। और इधर एक मास है मजा करते हुए। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सोनमेर माँ के दर्शन करने के लिए सोनमेर मंदिर। और यहाँ से देख सकते हैं ये वाला है कुछ सीन सोनमेर मंदिर का। एंड फिर वहाँ पे देखा कि बहुत ज़्यादा बड़ी लाइन लगी हुई थी, लेकिन एट द एंड लाइन वाइन लगने के बाद फिर हम लोग फाइनली बहुत देर के बाद हम लोग सोनमेर माँ के दर्शन के लिए अंदर घुसे। अब गाइस सॉरी उस टाइम का मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि हम लोग पूजा कर रहे थे और पूजा के टाइम पे ऐसे वीडियोस वगैरह बनाना ये सब सही नहीं लगता, इसीलिए पूजा के टाइम पे मैंने रहने दिया। एंड फिर वहाँ पे हमने बहुत सारी सेल्फीज ली, फोटोज ली। तो गाइस हम लोग आए थे सोनमेर मंदिर पूजा करने के लिए, सोनमेर माँ का दर्शन करने के लिए, और सोनमेर माँ का हम लोग दर्शन कर लिए साथ में इधर अतुल लोग और कुछ दोस्त लोग हैं इधर हम दोस्त। अभी जो है अभी पूजा वगैरह हो गया तो चलो भाई यहाँ से अभी निकलेंगे। वहाँ पे हमको अतुल मिला एंड फिर हम फिर निकल के वापस अपने घर। सो गाइस मस्त अभी जो है पूजा करके मस्त आ गए और जैसे देख सकते हैं पूरा का पूरा जो है भींग चुके हैं। और पूरा रास्ता भर बाइक से गए हम लोग, तो रास्ता भर में पूरा बारिश हो रहा था तो इसी वजह से पूरा का पूरा भींग गए हम लोग। अभी हैं घर में, थोड़ा बहुत सूख लिया एंड उसके बाद अभी सुबह तो खाया पिया कुछ नहीं था तो अभी मस्त खाएंगे पियेंगे एंड फिर शाम में आज प्लान है निकलने का वापस रांची। एंड उसके बाद शाम में मेरा निकलने का प्लान था वापस रांची के लिए, तो वापस से पापा मेरे को छोड़ने के लिए आए बस स्टैंड। एंड उसके बाद फिर मैं बैठ गया बस में। बस में बैठने के बाद ये रहा बस का कुछ सीन। हम फाइनली पहुंच चुके हैं रांची। तो गाइस फाइनली हम लोग का यहाँ पे मटर डोली में मैं उतर चुका हूँ और अभी जाना है अपने को अपने हॉस्टल के पास। चलो गाइस चलते हैं।
बस स्टैंड से मेरा रूम था वही 1 किलोमीटर की दूरी पे। तो शाम का वक्त था, मस्त हम टहलते टहलते पहुंच गए अपने हॉस्टल। तो गाइस जैसे फाइनली आ चुके अपने रूम में, अभी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है भाई, मज़ा आ गया। तो जो रूम पार्टनर था वो तो अभी भी नहीं आया है मेरे जाने के बाद, शायद अभी तक नहीं आया। एंड फाइनली जो है मैंने अपने वीडियोस वगैरह सब शूट करने के लिए अपना जो प्यारा सा जो ट्राईपॉड है वो भी ले लाया, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे कंटेंट्स एंड वीडियोस वगैरह सारा बना सकूं। एंड यही था आज का जो भी था हमारा पूरा का पूरा जो शेड्यूल था। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को डू सब्सक्राइब। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम लोग पहुँच चुके हैं सोने मंदिर और अभी हम लोग भीग भी चुके हैं बहुत गंदा, ठंडा ठंडा से भीगते भीगते आए हैं। तो हम लोग को